देखिए बोल रहे थे चढ़िए चढ़िए। होगा नहीं कि इन फ्यूचर कीजिएगा तो आप भी देखिए पे लोग खड़ा हो रहा है, अगर स्लिप कर वहां से क्लीन करते आ रहे थे। नंबर 8 पे पिलर नंबर 19 और ये पिलर नंबर 20 के बीच। जी क्या हाल चाल है आप सभी के। सो आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12189 महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि रोजाना जबलपुर से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच में चलती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन की टाइमिंग के बारे में। तो महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये जबलपुर से प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकलती है शाम 6:10 पे और आपको अगले दिन सुबह 11 दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँचाती है। और इस ट्रेन में आज हम लोग जो जर्नी है वो होने वाली है स्लीपर क्लास। तो भाई ये आ चुकी है अपनी ट्रेन WAP-7 ETRC का लोकोमोटिव इसमें लगा हुआ है। तो महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन में हम लोग की जो यात्रा है वो होने वाली है 47 नंबर सीट साइड लोअर पे, मेरा फेवरेट। लगेज हमने नीचे रख दिया अभी फिलहाल। तो भाई बहुत सारे पैसेंजर कन्फ्यूज है, उनको लग रहा है कि ये अमरावती सुपर फास्ट है और कुछ लोगों को लग रहा है कि महाकौशल है। एक्चुअली में ये महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन ही है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये ट्रेन रेक शेयर करती है। अभी हम देख रहे जितने भी पैसेंजर आ रहे हैं बार बार पूछ रहे हैं भैया महाकौशल है क्या, महाकौशल है क्या। हाँ भाई महाकौशल ही है। तो भाई साहब अपनी ट्रेन का बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हो चुका है जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। ये देखिए बोल रहे थे चढ़िए चढ़िए। तो भाई यही होता है, बोले ना बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि भाई कौन सी ट्रेन है। वैसे महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन में आपको साइड पेंट्री और ई कैटरिंग की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। लगभग 17 घंटा का सफ़र हम लोग का होने वाला है। मोस्टली जो पैसेंजर है ना इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो खाना वगैरह खा के ही आते हैं, नहीं तो घर से लेके आते हैं। तो आप चाहे तो साइड पेंट्री से परचेज कर सकते हैं, तो ऑनलाइन भी ई कैटरिंग से आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ देर बाद अभी महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ शानदार सा क्रॉसिंग। चालीस किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का पहला हॉल्ट सिहोरा रोड रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहां पे भी अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। वैसे सिहोरा रोड रेलवे स्टेशन पे अपनी इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है शाम की 6:38 और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है 10 मिनट डिले। 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है सिहोरा रोड। वैसे अपनी महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो टोटल 957 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस 957 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस ट्रेन को टोटल समय लगता है 16 घंटा 50 मिनट का। और मैं हॉल्ट की बात करूँ तो इस ट्रेन का टोटल हॉल्ट है 27। साइड पेंट्री से आ चुका है हम लोग का वेज बिरयानी, ये मुझे पड़ा 80 का, वैसे 100 रुपये में बेचा जा रहा है। और आपने भी नोटिस किया होगा अगर आप महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे तो हर चीज़ ओवर प्राइस बेचा जा रहा है। अगर इससे पहले किए हैं तो आपको पता होगा, नहीं किए इन फ्यूचर कीजिएगा तो आप भी देखिए नोटिस कीजिएगा। 15 का रेंजर 20 में बेचा जा रहा है, 40 का कोल्ड ड्रिंक 50 में बेचा जा रहा है, 90 का अंडा बिरयानी 110 में बेचा जा रहा है और 80 का वेज बिरयानी 100 में बेचा जा रहा है। वो तो बोलना पड़ा कि कंप्लेन कर देंगे अगर आप सही रेट पे नहीं दीजिएगा, तो सही रेट पे
बोलने के बाद सही रेट पे देखिए मुझे दिया गया है, अगर नहीं बोलते तो मुझे भी सही रेट पे खाना नहीं मिलेगा। वैसे अगर मैं बिरयानी की बात करूँ ना तो बिरयानी सही है, खा सकते हैं आप। एक सौ 53 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का तीसरा हॉल्ट मेहर रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। और यहां पे अपनी महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 8:08 और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है 30 मिनट डिले। वैसे 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है मेहर, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 100 ट्रेन आकर रुकती है। मेहर जो है ये हिंदू तीर्थ स्थल है, त्रिकूट पहाड़ी पे मेहर माता का मंदिर है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं मेहर माता का दर्शन करने के लिए। वैसे मेहर माता का जो मंदिर है मेहर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पे है, और आपको त्रिकूट पर्वत पे चढ़ाई करके जाना पड़ेगा, 1063 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा तब आप जा सकते हैं। वैसे अगर दर्शन की टाइमिंग की बात करें ना तो सुबह 5 बजे से 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है, फिर शाम में 4 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है, तब जाकर आप माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में। बेडशीट वगैरह बिछाते हैं स्लीपर में, तो भाई बेडरोल की फैसिलिटी तो मिलेगा नहीं, थर्ड एसी में वही ट्रैवल करते तो बेडरोल मिलता। वैसे बेडशीट वगैरह चादर वगैरह लेके हम लोग ट्रैवल करते हैं, और आज अपना फेवरेट सीट भी मिल गया है, तो बेडशीट बिछाते हैं, सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में। सुबह से फिर आपको जर्नी कंटिन्यू करके दिखाएं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, तो 716 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का 20वां हॉल्ट राजस्थान के धौलपुर जंक्शन पे, जहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। वैसे धौलपुर जंक्शन पे महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 6:32 और हम लोग की जो ट्रेन है ना यहाँ पहुँची है 10 मिनट डिले। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है धौलपुर जंक्शन, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 50 ट्रेन आकर रुकती है। और धौलपुर जो है ये फेमस है, ये जाना जाता है अपना रेड सैंड स्टोन के लिए, और यहाँ का रेड सैंड स्टोन जो है वो दिल्ली के रेड फोर्ट में भी यूज़ किया गया है और आगरा के फोर्ट में भी यूज़ किया गया है।
भाई साहब 770 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 21वां हॉल्ट आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है AGC और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे अपनी माँ कौशल एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 7:60 और हम लोग की जो ट्रेन है यहाँ पहुँची है लगभग 20 मिनट डिले। 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है आगरा कैंट और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 180 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। तो महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 3 जनरल कोच के साथ, 5 स्लीपर का कोच है, 6 थर्ड एसी का कोच है, 2 सेकेंड एसी का कोच है, 2 थर्ड एसी इकोनॉमी का भी कोच है, साथ 1 HA1 कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ तो जबलपुर से अगर आप हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच में ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसका फेयर को पड़ेगा लगभग 450 रुपया। अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 1220 रुपया। अगर थर्ड एसी इकोनॉमी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1180 रुपया। और हाँ, आगरा आते हैं तो भाई साहब आगरा तो दो ही चीज़ के लिए जाना चाहते हैं, एक तो आगरा का ताजमहल और दूसरा आगरा का पेठा। पान पेठा ट्राई कीजिएगा, बढ़िया होता है। वैसे तो बहुत सारा वैरायटी आपको मिल जाएगा लेकिन पान पेठा मस्ट ट्राई। आप देखिए वॉशरूम के बाहर में पानी देख रहे हैं, पूरा पानी लगा हुआ वहां से लेके यहां तक, और ये पानी कोच के अंदर, देखिए पूरा कोच के अंदर भी पानी लगा हुआ है। और आपको पता है साफ सफाई का फीडबैक जो है 1 घंटा बाद इन द ट्रेन का डिपार्चर के 1 घंटा बाद ही आके फीडबैक ले लिया कि भैया साफ सफाई कैसा है पैसेंजर से हर कोच में जाके। भाई 1 घंटा में कैसे पता चलेगा कोच की साफ़ सफाई, कम से कम 8 घंटा 10 घंटा की जर्नी होती है तभी तो पता चलता है भाई साफ़ सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये पानी वॉशरूम के बाहर निकला हुआ है पूरा कोच तक जा रहा है, ऐसे में कोई स्लिप कर जाएगा तो क्या होगा बताइए। अब अभी न्यू दिल्ली रानी कमलापति मतलब वही भोपाल शताब्दी का क्रॉसिंग होने वाला है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक शानदार सा क्रॉसिंग। देखिए सुबह से जब तक कंप्लेन नहीं होता है ना तब तक कोई सुनवाई नहीं होता, पूरा पानी जाके देखिए कोच के अंदर गया हुआ है, यहाँ पे लोग खड़ा हो रहा है अगर स्लिप कर वहाँ से क्लीन करते आ रहे थे जैसे कॉल है फिर कंप्लेन होने के बाद आते हैं, वैसे नहीं आते हैं आप लोग, फीडबैक ले लेते हैं ट्रेन निकलते ही 1 घंटा में। देखिए डस्टबिन में पानी भरा हुआ है। अभी फिलहाल हम लोग की ट्रेन जो है रुनकुता रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है और यहाँ पे सियार राजधानी हम लोग की ट्रेन को ओवरटेक करके जाने वाली है, वही पुष्पुल वाली राजधानी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ शानदार सा ओवरटेक। तो 824 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 23वां हॉल्ट मथुरा जंक्शन, जहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे मथुरा जंक्शन पे महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 7:55 और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है 40 मिनट डिले। वैसे 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है मथुरा जंक्शन और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 220 ट्रेन आकर रुकती है।
और आप सभी को पता ही है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा। अगर आप मथुरा आते हैं ना तो मथुरा का पेड़ा वगैरह भी फेमस है, कुल्हड़ वाला चाय भी आपको स्टेशन पे मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मिलता है, 2 पे भी मिल जाएगा, वो आप ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया होता है यहाँ का। मथुरा रेलवे स्टेशन के बाद कोच लगभग खाली, पूरा खाली हो गया है, ये बेडशीट बिछाए हुए हैं अभी भी। तो 907 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 25वां हॉल्ट पलवल रेलवे स्टेशन, जहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। वैसे पलवल रेलवे स्टेशन पे अपनी महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 9:38 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 15 मिनट डिले। और यहाँ पर अभी हम लोग की ट्रेन को ओवरटेक करके जाने वाली है नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक शानदार सा ओवरटेक। भाई सीन ऐसा है कि कोच हो चुकी है पूरी तरह से खाली। तो भाई जब क्या है ना कि जब पैसेंजर रहता है ना कोच में तब मज़ा आता है ट्रैवल करने में, खाली खाली कोच में मज़ा नहीं आता है। इसी तरह हम फर्स्ट एसी में ट्रैवल नहीं करते हैं, 4 लोग के बीच में क्या ट्रैवल करें भाई। जहां लोग रहता है ना 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग, 80 लोग, 100 लोग, उसके बीच में जर्नी करने में जो मज़ा आता है ना, उसके बीच में जो वीडियो बनाने में जो मज़ा आता है, क्या ही बताया। अभी देखिए स्लीपर में मुश्किल से 6-7 पैसेंजर हैं, मन ही नहीं कर रहा है वीडियो वगैरह बनाने का। वैसे कुछ देर बाद आने वाली है बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन, वहाँ पे भी अपनी ट्रेन का हॉल्ट है, लेकिन भाई साहब वहाँ पे चेन्नई राजधानी जो है वो ओवरटेक करके जाने वाली है।
सो गाइस तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन जो है हम लोग को यहाँ पहुंचाई है 20 मिनट डिले। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि ये ट्रेन कितनी पंक्चुअल रहती है। अगर मैं बात करूँ साफ़ सफाई की तो साफ़ सफाई आप एवरेज कह सकते हैं। वैसे कंप्लेन करने के बाद पानी वगैरह वाशरूम से बाहर आ रहा था तब जाकर साफ़ किया गया और फीडबैक जो है ना भाई साहब रात में ही लिया जा रहा था पैसेंजर से साफ़ सफाई का, बताइए ऐसा थोड़ी होता है। अरे बात खाने पीने की तो भाई साहब इस ट्रेन में एकदम पूरा स्कैम ही स्कैम है। साइड पेंट्री है लेकिन एक भी चीज़ सही रेट पे नहीं दिया जा रहा है, चाहे पानी का बोतल हो, चाहे सुबह में ब्रेकफास्ट बेचा जा रहा था ब्रेड कटलेट ब्रेड ऑमलेट वो भी ओवर प्राइस, हर चीज़ ओवर प्राइस बेचा जा रहा है इस ट्रेन में। और आप इस ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे तो आप भी ऑब्जर्व किए होंगे, अगर नहीं ट्रैवल किए हैं फ्यूचर में ट्रैवल कीजिएगा तो आप भी देखिएगा नोटिस कीजिएगा हर चीज़ ओवर प्राइस बेचा जा रहा है। तो जहाँ भी ओवर प्राइस बेचा जाए तो करना क्या है, रेल मदद एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ जाके आराम से कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो 139 पे कॉल करके कंप्लेन कीजिए कि ओवर प्राइस खाना चार्ज किया जा रहा है इस ट्रेन में। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक ना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते रहे मुस्कुराते रहे और लगातार इस तरह के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, इतना पीस बाय और हाँ प्यार करते हैं आपसे, लव यू। अच्छा अच्छा, और देखिए यहाँ पे अपने एक फैमिली मेंबर हैं। किस इसी ट्रेन से आए हो क्या? नहीं मैं दुकान है मेरे यहाँ पे स्टॉल है। अच्छा यहाँ पे स्टॉल है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे ना? हाँ 8 पे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। अच्छा तो किस चीज़ का स्टोर? कोल्ड ड्रिंक्स पानी? कोल्ड ड्रिंक दुकान है। ओके ओके, चलिए भाई से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। वैसे हमें स्टॉल दिखा देते हैं, अगर आप आते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे तो इस भाई से सामान जरूर परचेज कीजिएगा। क्या नाम हुआ? प्रिंस। प्रिंस नाम है, चलिए। तो भाई साहब प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे पिलर नंबर 19 और ये पिलर नंबर 20 के बीच में ये प्रिंस भाई का स्टॉल है। तो यहाँ से आके सामान वगैरह परचेज कर सकते हैं, पानी बोतल कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके भाई चलो मिलके अच्छा लगा।